जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी पढ़ाई को थोड़ी सी और आगे बढ़ाने के लिए हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, शिक्षण प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग मॉडल। तो आइए हम जानते हैं कि टीचिंग मॉडल का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। आइए इन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, टीचिंग मॉडल। मॉडल दोस्तों, आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। जैसे अगर हम बात करें महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल क्रांत, श्रीकांत जिचकर, जो कि महान महान व्यक्तित्व, तो मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो जो आपके रोल मॉडल होते हैं, आप क्या करते हैं, उनके जीवन को आप अपने व्यवहारों में ढालने की कोशिश करते हैं, राइट? आप अपने जीवन भी कुछ उनके जैसा जीने, उनकी बातों पर चलने का कोशिश करते हैं। वास्तव में यही मॉडल होता है। अर्थात जब कोई मॉडल बन जाता है तो उसको देख के हम अपने क्या करते हैं, व्यवहारों में परिवर्तन करते हैं। अब बात हम शिक्षण प्रतिमान की करेंगे, उससे पहले यहाँ पे समझ जाइए शिक्षण प्रतिमान होता क्या है। शिक्षण प्रतिमान अंग्रेजी भाषा के टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। ओके, किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। मॉडल क्या कहलाती है, एक बार फिर से देख लीजिए। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। इस प्रकार प्रतिमान का अर्थ किसी आमुक, आमुक मतलब कोई खास उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। कोई समस्या नहीं। एग्जाम्स में अगर आपसे पूछे शिक्षण प्रतिमान, तो हेडिंग डाल के ये लिख दीजिएगा। एग्जामिनर भी कहेगा वाह बच्चा क्या, किन आसान शब्दों में, किन बेहतरीन शब्दों में बच्चा लिखा है कि शिक्षण प्रतिमान अंग्रेजी के टीचिंग मॉडल का रूपांतरण है या पर्यायवाची है। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। इस प्रकार प्रतिमान का अर्थ है किसी आमुक, मतलब कोई खास उद्देश्य के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। चलिए बहुत सही, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के समय और आवश्यकता अनुसार जिन आदर्शों को सम्मुख रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिमान किया जाता है, उन्हीं को शिक्षा का प्रतिमान कहा जाता है। प्रतिमान का मतलब किसी उद्देश्य के लिए अपने व्यवहार को ढालना, तो शिक्षण प्रतिमान का मतलब शिक्षा के उद्देश्य के लिए अपने व्यवहार को ढालना, शिक्षण प्रतिमान। कोई समस्या नहीं। चलिए, प्रतिमान एक ऐसी स्वयं सिद्ध कल्पनाएं हैं, सोच है, विचार है, कला है, कल्पना है। प्रतिमान ऐसी स्वयं सिद्ध कल्पना हो सकती है जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने और शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। समझ आ गया, बहुत अच्छा दोस्त। अब आइए शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा है, जो हमने कहा उसी को HC Wild महोदय ने कहा था कि प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। PR Joseph के अनुसार इन्होंने कहा था कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। इसमें विशेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्र की अंतःक्रिया इस रूप में होती है कि छात्र व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। तो ये दोनों दोस्तों परिभाषा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत अच्छा। चलिए अब शिक्षण प्रतिमान की क्रियाएं देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्रिया होती है। तो शिक्षण प्रतिमान में लिखी 6 क्रियाएं निहित होती हैं। कौन कौन सी? पहला, सीखने की निष्पत्ति को व्यवहारिक रूप देना। सीखने की निष्पत्ति मतलब सीखने की जो उद्देश्य है, जो आप जिसलिए सिखा रहे हैं, उसको व्यवहारिक रूप देना। छात्र तथा शैक्षिक वातावरण में अंतः प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए निर्धारित युक्तियों का विशिष्टीकरण करना और ऐसे मानदंड व्यवहार का निर्धारण करना जिसमें विद्यार्थियों की उद्देश्य को देखा जा सके, इनके फायदे को, इनके लाभ को, इनके फ्यूचर को देखा जा सके। छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के अभाव में नीतियों तथा युक्तियों में सुधार करना। नीतियों तथा युक्तियों का मतलब होता है दोस्तों, नीति मतलब आप कैसे नियम नीति लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसके सुधार कर सकते हैं। उन परिस्थितियों का विशेषीकरण करना जिससे छात्र की अनुक्रियाओं को देखा जा सके। उद्दीपन का इस प्रकार चयन करना कि छात्र वांछित अनुक्रिया कर सके। ठीक है, चलिए ये हो गए शिक्षा प्रतिमान की 6 क्रियाएं। अब आइए
हम बात करते हैं कि शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व या आधारभूत संकल्पना कौन सी होती है। चलिए, पहला तो उद्देश्य, उद्देश्य फोकस होना चाहिए, ठीक है, फोकस। संरचना, आप जो रोल मॉडल, आप जो मॉडल, जो प्रतिमान अपना रहे हैं उसकी संरचना आपको उसकी करनी पड़ेगी, पहले उद्देश्य निर्धारित, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक व्यवस्था, समाज से इसका क्या लाभ है, मूल्यांकन प्रणाली और उसे कैसे मूल्यांकन करेंगे और प्रयोग किस प्रकार से आप करेंगे बच्चों पे। तो ये दोस्तों पांच इसके प्रमुख क्या हो गए, तत्व हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसको थोड़ी सी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक प्रतिमान का अपना उद्देश्य होता है जिसे उसके लक्ष्य बिंदु कहते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिमान को विकसित किया जाता है, ठीक है। संरचना की बात करें तो शिक्षण प्रतिमान की संरचना का अर्थ उसकी रचना अथवा नियमों से है, अतः शिक्षण प्रतिमान की संरचना अंतर्गत उसके उद्देश्य के आधार पर शिक्षण पक्ष, उनकी क्रिया विधियों, युक्तियों और शिक्षकों व छात्रों की अंतर क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप प्रदान किया जाता है। ये शब्दों में लिखे, आप इसको स्वयं पढ़िए। चलिए, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का मतलब, शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिससे, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, अतः सामाजिक प्रणाली के प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान आधार होती है, ठीक है। मूल्यांकन का मतलब, मूल्यांकन प्रणाली में मौखिक अथवा लिखित परीक्षाओं द्वारा यह जाना जाता है कि शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य प्राप्त हुए अथवा नहीं हुए। और प्रयोग का मतलब दोस्तों, प्रयोग यह अंतिम तत्व है, इसके द्वारा शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग तथा उपयोगिता के संबंध में यह बताया जाता है कि प्रतिमान किस परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है और यह कब लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए, ठीक है, तो ये होगा शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व या संकल्पनाएं। चलिए, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इस वीडियो को खत्म करेंगे। शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसके प्रतिमान के आधार पर शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण सूत्र, मतलब शिक्षण प्रतिमान का आधार क्या होता है, शिक्षण प्रतिमान का आधार होता है शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा के सूत्र, ये शिक्षण प्रतिमान के आधार होते हैं। शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है, इसकी पुष्टि शिक्षण प्रयोग में आधार पर की जाती है। इसके माध्यम से शिक्षक समुचित अनुभव प्राप्त कर लेते तथा साथ ही ये शिक्षक के व्यक्तित्व के गुणात्मक उन्नति में सहायक है। इनका स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है क्योंकि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान एक निश्चित आधार होते हैं और दोस्तों शिक्षण प्रतिमान शिक्षण की कलात्मक रूप प्रदान करना है। कलात्मक मतलब आप कैसे पढ़ा रहे हैं, इसको आपको एक स्किल डेवलप करना है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण की गुणात्मक उन्नति में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक व छात्र दोनों को वांछित अनुभव प्रदान करते हैं और प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान दार्शनिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं और शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रियाओं के व्यवहारिक पक्ष का आधार हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बस एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण प्रतिमान किस प्रकार सहायक है, या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षण प्रतिमान किस प्रकार आवश्यक है या फिर शिक्षण प्रतिमान का महत्व। तो आप देखिए, शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप व्यवहारिक होता है, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान द्वारा विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है और शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण में परिवर्तन तथा सुधार किया जा सकता है, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षा और अधिगम के संबंध में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत ऐसी उपयुक्त नीतियां, युक्तियां प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थी व्यवहार में प्रतिदिन सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं और शिक्षण प्रतिमान द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्टीकरण का संभावना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका टोटल शिक्षण प्रतिमान के बारे में। इस अगर आपसे कुछ भी पूछे शिक्षण प्रतिमान के बारे में तो शिक्षण प्रतिमान के अर्थ से शुरू करिए और इसकी परिभाषाएं और इस प्रकार से हेडिंग डाल के आप लिखते रहिए। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से शिक्षण प्रतिमान। वैसे मैं जो बच्चे टेलीग्राम में हैं मैं उनको तो इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। आपके कमेंट के आधार पे हम और वीडियोस बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करने से मुझे भी लगता है कि चलो पसंद आ रही है बच्चों को, बच्चे भी थोड़ा अपनी तरफ से लाइक करते हैं वीडियोस को, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हमारे वीडियोस पे पढ़ाई की चीज़ें मिलती हैं। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए, थोड़ा बुलाइए बच्चों को, ठीक है, आप ही लोग तो हमारी टीम है। चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों, हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।